Again, welcome to the class, right? Where we are actually in the world of e-coaching, right? And as we have already completed, or at least you have completed, simple interest concept, now we'll be going through today's topic, that is compound interest. ठीक है? जो compound interest है, वो actually simple interest ही है. सर, फिर नाम क्यों अलग है? नाम इसलिए अलग है क्योंकि उसकी properties थोड़ी different है. ठीक है? कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का ढूंढने का तरीका एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट जैसा होता है, बट इट इज लाइक चेंजिंग प्रिंसिपल, जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने लाइफ में एक बार पढ़ा है. बट ऑन द एप्टीट्यूड लेवल कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल एग्जाम्स कैट जेट में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो आज का हमारा हम टॉपिक शुरू करते हैं. द टॉपिक्स नेम इज, एज यू कैन सी, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट. आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉम्पाउंड इंटरेस्ट. नाउ दिस इज फर्स्ट थिंग, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो. ठीक है? बिकॉज वी विल कंपेयर इट सबसे पहले, क्योंकि इजी पार्ट है सिंपल वाला. ठीक है? इसलिए नाउ कंपेयर करने में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए, हमारा प्रिंसिपल हम ले रहे हैं 10,000 rupees, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं 10%. ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे. जैसे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो पहले साल फर्स्ट ईयर मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताओ, 10,000 का 10%. आप मेरे साथ साथ गिन सकते हो, है ना? 10,000 का 10% सर पक्का 1,000 रुपए होगा. दैट इज माई सिंपल इंटरेस्ट. बड़ी सिंपल सी बात है. अच्छा, उसी साल इफ आई टॉक अबाउट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, तो वो क्या होगा बताओ, कुछ अलग होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड. अगर आपने बोला ना कि सर कुछ अलग नहीं होगा, वही होगा, तो वही बात सही है. कॉम्पाउंड इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी 10% ऑफ 10,000, दैट इज 1,000 rupees. सो सबसे पहली चीज समझे, ये पर एनम है. ठीक है? डन. तो 10% 10,000 का 1,000, 10% 10,000 का 1,000, ये सेम रहता है. कहां तक सेम रहेगा? ये पहले साल. अच्छा सर, फिर क्या तकलीफ होती है उसको बेचारे को, फिर क्या तकलीफ होती है वो देखते हैं. दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा. हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नोट थी सिंपल इंटरेस्ट में, क्या था? दैट इज प्रिंसिपल रिमेन्स सेम ईच ईयर. प्रिंसिपल रिमेन्स सेम ईच ईयर. तो अगर प्रिंसिपल 10,000 का 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है, सो 10% ऑफ 10,000 वुड बी 1,000. हां सर, समझ आ गया. लेकिन दूसरे साल का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ढूंढने से पहले समझना, दूसरे साल का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ढूंढने से पहले यहां पे एक कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस होगी. कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस. उस प्रोसेस का मतलब क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट आया ना, उसे हम हमारे प्रिंसिपल में, जो भी रिसेंट प्रिंसिपल है, फिलहाल 10,000 वी स्टार्टेड विथ, सो 10,000 में ऐड करेंगे, तो हमारा नया प्रिंसिपल आएगा, दैट इज 11,000 rupees. क्या किया मैंने, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड किया, और कोई बड़ी चीज नहीं की है. लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस. अब देखो, जो सेकेंड ईयर में 10% ढूंढा जाता था, लेकिन वही 10,000 का, अब यहां पे सेकेंड ईयर 10% ढूंढा ही जाता है, लेकिन 10 की जगह 11,000, 11,000 का ढूंढा जाएगा, एंड दैट इज 1,100 rupees. व्हाई इट गॉट चेंज्ड? पहले साल तो सेम था, इन सेकेंड ईयर इट इज 1,000 एंड 1,100. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस. कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस इज एडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. ठीक है? अच्छा, एक और स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखना. ठीक है, तीसरे साल की बात करते हैं. तीसरे साल सिंपल इंटरेस्ट कितने आएगा सर? 10% ऑफ 10, वो तो चेंज ही नहीं होना है. यू सी, इट विल रिमेन सेम. अगेन, तीसरे साल जाने से पहले यहां क्या होगा, कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस. व्हाट इज दैट? अगेन ओल्ड प्रिंसिपल विच वॉज 11,000, उसमें नया इंटरेस्ट विच इज 1,100, वो दोनों एड होंगे. टोटल कितना हो गया, 12,100 rupees. अब किसका 10%? यहां तो 10,000 का ही 10% फाइंड हो रहा है, लेकिन यहां किसका 10% फाइंड होगा, 12,100 rupees. 10%, दैट इज 1,210. यू सी, 1,000, 1,100, 1,210, वेयर इज हियर 1,000, 1,000, 1,000. सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम. ध्यान से सुने,
सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम ईच ईयर बिकॉज प्रिंसिपल डजंट चेंज, वेयर एज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट गेट्स इंक्रीज, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज प्रिंसिपल कीप ऑन इंक्रीजिंग. आई होप इट इज वेरी क्लियर कि वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट. वैसे आपको पता था, आपको यहां पर रिफ्रेश हो गया. अंडरस्टूड? पक्का? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ध्यान से देखे, यहां पे ड्यू टू कंपाउंडिंग प्रोसेस, उसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ड्यू टू कंपाउंडिंग प्रोसेस प्रिंसिपल चेंजेस ईच ईयर, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है. एंड हेंस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस ईच ईयर, राइट. सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट, समथिंग दैट आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास. कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट बट विथ चेंजिंग प्रिंसिपल. परसेंटेज ही फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग तो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में फाइंड करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल चेंज हो जाता है. अंडरस्टूड? सो ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले साल के बाद आपने देखा था ना, पहले साल के बाद 1000 रुपए था, पहले साल के बाद 1000 रुपए था, क्या सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन दूसरे साल के बाद आफ्टर टू ईयर्स क्या हो गया, यहां पे था 1000, यहां पे था 1100, टोटल कितना हो गया 2100, यहां टोटल कितना हो गया 2000. What is the difference? What is the difference इन दोनों के बीच में? ये जो हमारी दोनों अमाउंट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 100 रुपए. यहां हम ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं समझना, ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है, ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है वो क्यों आया, और ये 100 रुपए कहां से एक्स्ट्रा आए कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में. दैट इज क्या कहेंगे हम उसे, आई विल शो यू. That is 100 rupees, right? Which is nothing but interest of first year's interest. Yeah, इसे हम कहते हैं interest over interest. अलग अलग languages में अगर हम बात करें तो आप किसी भी medium में पढ़े हैं तो आपने कभी कभार ऐसा सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज. What is that चक्रवृद्धि? चक्रवृद्धि is this. इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड चक्रवृद्धि, ठीक है. एग्जैक्टली माय पॉइंट, ठीक है. सो यही चीज आपको समझनी है बेसिकली. डन? व्हिच इज नथिंग बट फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट. डन? सो 10% ऑफ 1000 इज 100. पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? 1000 रुपए. उसी का 10% है ये 100 रुपए. इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वही डिफरेंस आता है बेसिकली. आई होप आई एम क्लियर. पक्का समझ आ गया? ठीक है, डन. चलिए अगेन एक बार उसी को मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है. इसे अच्छे से देख लीजिए, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है. सो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले तो हम बेसिक वाला फॉर्मूला जो ऑलरेडी सबको पता है वो डिस्कस करते हैं. दैट इज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100(t), ठीक है. ध्यान से समझे इसको, ठीक है. अगर आपको याद हो तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद कराता हूं. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. दिस वाज आवर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है. फोकस करने लायक चीज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में हम जो ढूंढते थे यूजुअली, जितने भी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते थे उसमें वी हैड फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. व्हेयरएज इन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हमारे पास फॉर्मूला किसका है? अमाउंट का. ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, बात समझना. This is amount. What does this give us? This gives us amount, ना कि compound interest. सबसे important बात ये आपको समझनी है, ठीक है. Then, so अगर मान लो इसमें से आपको compound interest ढूंढना है, so compound interest will be जो amount मिला, उसमें से जो principal दिया होगा, उसे हम subtract कर देंगे. That's it. और कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है. I hope you understood this. ठीक है. Then, जहाँ पे ये जो notifications है, वो तो same रहते हैं. P आपका principal है, R आपका rate of interest है, usually per annum होता है. टी आपका नंबर ऑफ इयर्स है. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है. इसलिए मैं बहुत स्पीड में बोल गया, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. शायद सिंपल में भी मैंने आपको इसी तरह एक्सप्लेन किया होगा. ध्यान से देखें, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है. पर एनम यानी पर ईयर, पर ईयर. इसलिए आपका जो टाइम है वो हमेशा किसमें आता है? ईयर्स में. लेकिन मान लो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर मंथ में दिया हुआ है, तो टाइम आपका नंबर ऑफ इयर्स की जगह क्या होगा? मान लो ये पर मंथ है, दिस इज पर मंथ, तो ये इयर्स की जगह क्या हो जाएगा? मंथ्स.
आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। हाँ, वो चीज ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अबव फॉर्मूला इज व्हेन कंपाउंडेड एन्युअली, ये बात समझना, ये क्या बोल रहा है वो। कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब समझते हैं हम लोग। कंपाउंडेड एन्युअली का क्या मतलब होता है कि जो कंपाउंडिंग प्रोसेस हमने देखी ना, प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करना, दैट्स अ कंपाउंडिंग प्रोसेस। वो हर साल होती है, मतलब एक साल के बाद दूसरा साल शुरू होने से पहले वो होगी, मतलब ईच ईयर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड एन्युअली, और ये डिफॉल्ट प्रोसीजर है। मतलब अगर आपको कभी कुछ नहीं दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना होता है, कंपाउंडेड एन्युअली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समझ आएगा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज जनरल फॉर्मूला जो एक्चुअली हमारा है वो ये वाला है। वो क्या कहता है, देखो आप इन दोनों फॉर्मूलाज को रिलेट आराम से कर पाएंगे। अमाउंट, प्रिंसिपल, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 एंड टी। क्या एक्स्ट्रा है, ये एन, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इफ यू फोकस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस एन, यही सिर्फ एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये एन क्या है, व्हाट इज दिस एन, दिस एन इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन इन अ ईयर। एक साल में आप वो कंपाउंडिंग प्रोसेस, मतलब इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को ऐड करना या प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना, उसे कंपाउंडिंग प्रोसेस कहते हैं। वो आप एक साल में कितनी बार करते हो? सर वो तो अभी आपने बोला ना, एक ही बार होती है हर साल। एग्जैक्टली, When compounded annually, मतलब एक साल में आप वो प्रोसीजर एक बार करेंगे, so इसका n का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे एक्चुअली है (n)(1)(n)(1), लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन what if वो कंपाउंडेड, t इज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो कंपाउंडेड सेमी एन्युअली होता, बात समझना एक मिनट के लिए, यहां पर वो अगर कंपाउंडेड सेमी एन्युअली होता, सेमी एन्युअली का मतलब हर 6 महीने, हर 6 महीने का मतलब एक साल में कितनी बार, 2 बार, बात समझना, एक साल में 2 बार, यानी n का वैल्यू क्या आएगा, 2। n क्या डिफाइन करता है, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग करेंगे। अगर आप सेमी एन्युअली कंपाउंड कर रहे हो, मतलब हर 6 महीने कर रहे हो, सो n विल बी 2, बिकॉज 2 टाइम्स इट विल बी कंपाउंडेड। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स वेरी सिंपल, बस n की जगह 2 आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। फिर से ध्यान से देखें, ठीक है, क्यू सी, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 टी, 100 इनटू 2, हियर आल्सो 2। ये डिवाइड बाय 2 क्यों आया, बिकॉज आपको एक्चुअली रेट को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेट हमेशा पर एनम देते हैं, एक साल का 10%, लेकिन आप तो आधे साल में ही कंपाउंडिंग कर रहे हो, यू कैनॉट काउंट 10%, यू विल हैव टू काउंट 5%। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इसलिए 10/2 किया, सो ये r/2 इन जनरल लिखा हुआ है। और 2t क्यों आया, उतनी बार कंपाउंडिंग होगा ना, t मतलब नंबर ऑफ इयर्स, 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेमी एन्युअली कंपाउंडिंग हो रहा है। मान लो 3 साल होते तो टोटल 6 बार कंपाउंडिंग होता है ना, सो 2 × 3 = 6। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है, डन। यही चीज अगर क्वार्टरली होती, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने, हर 3 महीने कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर हर 3 महीने कंपाउंडिंग होगा तो 12 महीनों में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा, 4 बार, यानी मेरा n का वैल्यू आ गया 4, माय n वैल्यू इज 4, ठीक है। तो वही मैंने यहां पे डाला हुआ है, दीज आर डिफरेंट इक्वेशंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लास्ट वाला एक इक्वेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स। कुछ बैंक्स होती है, ऐसी स्कीम्स यूजुअली आपको मिलती है, कोई बैंक अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोलती है कि पहले साल हम भले 5% आपको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन वही पैसा अगर आप दूसरे साल भी हमारे ही बैंक में रखेंगे तो उसे 5.5 कर देंगे, अगर तीसरे साल आपने वही पैसा हमारे ही बैंक में रखा तो हम उसे 6 कर देंगे। सो इट इज लाइक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स। इन दैट केस व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, पहले 5, फिर 5.5, फिर 6, अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो गए ना। इन दैट केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो फाइनल अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r1 अपॉन 100, r2 अपॉन 100, r3 अपॉन 100। पक्का? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, राइट? व्हाट आई नीड टू डू इज यू मस्ट बी मेकिंग नोट्स। आपको बनानी होती है नोट्स, ऐसे मत सोचना कि सर वीडियो देख लिया बात खत्म, अपनी खुद की नोट्स बनानी होगी आपको, ठीक है। एंड आई होप यू आर मेकिंग अलॉन्ग विथ मी, ठीक है, पर्सनल नोट्स। तो
आप ना क्या करें, इस वीडियो ये पर्टिकुलर स्लाइड को वीडियो को अभी पॉज कर दे, आई वुड क्लियर इट फॉर यू, ठीक है, डन। और ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लिख ले बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल द फॉर्मूलाज। चलिए, आई होप आपने लिख लिए होंगे सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, और समझ भी गए होंगे आप यहां से। सो हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। अच्छा, आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने ये भी पढ़ा होगा कि परसेंटेज क्या होता है, और परसेंटेज के अंदर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। यू डू यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इतने क्यूब में आपको एक बार दिखाता हूं। लेट्स सी, देयर इज अ वैल्यू एक्स। Now this x needs to be increased by, let's say, 20%. Then I can simply multiply x with 1.2. This 1.2 is nothing but multiplication factor. ये मैंने आपको MF percentage अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ ले पहले, that is important before you go through the simple interest and compound interest, because it contains percentages. ठीक है, rate आपका हमेशा percentage में आता है, इसलिए done, ठीक है। So मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है ना, एक्चुअली यही है, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर विच इज इंक्रीजिंग प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियली। आई विल रिपीट माय सेल्फ, दिस पोर्शन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इंक्रीजिंग दिस फैक्टर एक्सपोनेंशियली। जितनी बार कंपाउंडिंग होगा उतनी बार आपका प्रिंसिपल इंक्रीज होगा, ठीक है। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट दिस कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज। इसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी निकलते हैं, हम बेसिक से शुरू करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस तक जाएंगे। वंस यू गो थ्रू दिस वीडियो आई कैन गारंटी यू कि आपको कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट। सो बेसिक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। Find the amount on principal of 50,000 at 10% per annum compound interest for 3 years. ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, आपके दिमाग में ऐसा आया सर compounded क्या है? नहीं, default में compounded annually होता है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है, done? चलिए, so if I write amount is equals to principal कितना है? 50,000 into 1 plus rate of interest r divide by 100 raised to n, यानी 3, है ना, p into 1 plus r divided by 100 raised to n, or t rather, t लिखा था, t time, number of years, ठीक है, done। तो इसको solve करना है, क्या आएगा? 50,000, in most of the exams now calculator is allowed on screen, तो आप use कर सकते हो, ठीक है, CAT वगैरह अच्छी exams में तो allowed ही है, this is 1 plus 0.1 I guess, raised to 3, so 1.1 का cube would be 1.331, when multiplied by 50,000, It gives you 66,550, as simple as that, ठीक है, और वही आपका आंसर है, क्योंकि सीधा सीधा आपको अमाउंट पूछा था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था कंसेप्ट समझने के लिए। आई होप आपको आ गया होगा, नहीं तो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हो, वैसे सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is, this is also good, ठीक है, लेकिन हाँ, compounded semi-annually है, great, you can pause the video and try by yourself। चलिए, I hope आपने try किया होगा, find the compound interest on 1 lakh rupees, ठीक है, done, 1 lakh रुपए हमारा principal हो गया, into 1 plus r divide by 100, लेकिन semi-annually है, मतलब यहाँ पे into 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1.5 इयर्स, दैट इज 1.5, देन इसे सॉल्व करना होगा, सो इट विल बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 1/20, सो 1 प्लस 1/20 दैट इज 21/20, सो 21/20 इनटू 21/20, दिस आई एम शोइंग यू उस जमाने की बात जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुआ करते थे, और अगर अभी भी आप किसी एग्जाम में अपीयर कर रहे हो जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यू कैन यूज दिस 21/20 थ्री टाइम्स, बिकॉज 1.5 इनटू 2 इज 3, सो उसका क्यूब है, यू कैन सॉल्व लाइक दिस, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,15,762.5, देयर यू गो, 115,762.5, आगे आपका आंसर यस और नो, सबका आया था नो, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, वाई सर, सारे फॉर्मूला तो वही यूज किए हमने, फिर क्यों गलत है ये,
ठीक है, क्वेश्चन पढ़े फिर से, क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड, यार ये गलती करोगे आप, आपको यहां पे अमाउंट नहीं पूछा है, भावनाओं में मत बह जाना, ठीक है। आंसर तो आ गया आपका ये, लेकिन ये आपका सही आंसर नहीं है, बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। प्रोसीजर अभी तक हमने सही की है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आया हमारा, ये रहा 115,762.5 माइनस हमारा प्रिंसिपल, दैट इज कितना था, 1,00,000 रुपए, जो हमें देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो होता है 15,762.50 और 0.5, ठीक है, पक्का। चलिए ग्रेट, बेसिक क्वेश्चंस अगेन, कुछ इसमें डिफिकल्ट लेवल नहीं है, ठीक है, देन आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन वन मोर बेसिक एग्जांपल, आपके सामने क्वेश्चन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब तो मैं देख पाऊंगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है 16,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, कंपाउंडेड क्वार्टरली इनटू 4 इनटू 4 इनटू 9 मंथ्स। आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पे आपको क्या लिखना होता है, टाइम इन ईयर्स, क्या लिखना होता है, टाइम इन ईयर्स, मतलब 9 महीने दिए है ना, 9 महीने, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू डिवाइड बाय 12, सो दिस इज टाइम इन ईयर्स 9/12, 9 मंथ्स है, मुझे तो ईयर्स में लिखना है, इसलिए 9/12। सर क्यों ईयर्स में लिखना है, क्योंकि ये पर एनम है, मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 3s are 12, 3 3s are 9, अगेन क्यूब आया, ठीक है, लेकिन इस बार दिस इज 5, सो आई गेस अगेन 1.05 ही आएगा, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस यू सी यू गेट 18,522, सॉल्विंग सब्ट्रैक्टिंग प्रिंसिपल फ्रॉम अमाउंट यू गेट 2522, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे एक चीज मुझे आपको ये दिखानी है कि ये जो पावर ढूंढाना हमने, दिस इज अवर ब्रैकेट, एवरीवन फोकस, एंड दिस इज अवर पावर, ब्रैकेट का हमने जो पावर ढूंढा, वो जो हमने कैलकुलेशन किया है, दिस इज अ प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 9/12 इनटू 4 ब्ला ब्ला ब्ला। लॉजिकली भी आपको समझ आना चाहिए कि लॉजिकली ये 3 कैसे आएगा, क्वेश्चन देख के देखो, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब समझना, क्वार्टरली का मतलब होता है एवरी 3 मंथ्स, क्वार्टर इज अ 3 मंथ, ठीक है, एवरी 3 मंथ्स अगर आपका कंपाउंडिंग होता है, कितने महीनों के लिए आपने पैसा रखा है, 9 महीनों के लिए, अगर हर 3 महीने कंपाउंडिंग होता है तो 9 महीनों में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा, यही 3 आएगा इस पे, एम आई मेकिंग सेंस, यस और नो, पक्का। देखो इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, वो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहां पे 1.5 into 2, दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैं आपको दिखाता हूं, 1.5 साल में अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब हर 6 महीने, अगर सेमी एन्यू मतलब एवरी सिक्स मंथ्स, यानी 1.5 साल में कितनी बार होगा, हर 6 महीने कंपाउंडिंग होता है, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 1.5 साल हो गया, 3 बार, यही 3 आया है ये, और कोई नहीं है। सो लॉजिकली ऑल्सो यू कैन गो थ्रू दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमेशा याद रखना। सो दिस इज योर लास्ट एग्जाम्पल्स, आंसर दैट इज 2522, आई गेस आंसर इज रिटन ट्वाइस, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए समझ आ गया, पक्का, डन, ग्रेट। चलिए, सो दीज वर बेसिक एग्जांपल्स, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, डन, नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ दिस इज गुड, कैसे करेंगे, काइंडली पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के ना एक्चुअली 3 मेथड्स है, फर्स्ट मेथड प्योर फॉर्मूला मेथड, मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। भाई कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे, 2 साल के लिए 10% पर एनम पे, मान लो मेरा प्रिंसिपल क्या है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 plus r divided by 100 raised to t, ठीक है, डन। सो इन माई केस अमाउंट नहीं पता हमें, प्रिंसिपल कितना है,
जो हमें ढूंढना है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 रेस टू 2, ठीक है, ये क्या है अमाउंट, ठीक है, लेकिन मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, सो अमाउंट इज दिस पी इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 रेस टू 2 माइनस पी, दिस इज माई कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, यहां तक समझ आया? हाँ सर पक्का समझ आ गया, डन। टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दो साल के लिए प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम है 2 इयर्स अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, हमें क्या ढूंढना है डिफरेंस बिटवीन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सी आई माइनस एस आई, मतलब इसमें से दिस इज माई सी आई, इसी में से मैं अपना एस आई माइनस कर देता हूं, पी इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, यही मेरा एस आई है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, इसे हम हटा देते हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला इक्वल टू, हमें 230 दिया हुआ है, दिस इज 230 रुपीज, 230 डन। तो अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ एक अननोन है, कौन सा, पी, इसे आप सॉल्व करेंगे, आप पक्का इसको सॉल्व कर पाएंगे, p into 1 plus 10 divided by 100, so this is 1.1 का square, that is 1.21 p minus p minus, if you cancel this, क्या आ जाएगा, 2p by 10 or p by 5, या p by 5 is 0.2p, ठीक है ना, done, इसको आप solve करेंगे, 1.21 minus p, that is 0.21 minus 0.2, 0.01p, that is 230, so p will be 230 upon 0.01, that is 23,000. Your answer is 23,000. Got by a pure technical method. पहला method था ये, ठीक है? कुछ ऐसे. Method 2 की बात करते हैं. Now, difference between compound interest and simple interest, हमने जब starting में देखा, मैंने interest over interest वाला एक चीज समझाया आपको, है ना? चिल्ला चिल्ला के चक्रवृद्धि वगैरह वगैरह यूज करके, सो ये इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट मैंने जो आपको समझाया वो क्या था, कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस, ठीक है, दो साल के बाद वहां पे जब हमने समझा, इफ यू रिमेंबर आपकी नोट में भी होगा, 100 रुपए डिफरेंस आता था, और यही 100 रुपए क्या था, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, है ना यार, यही तो दिया है, क्या बोला है, दो साल के बाद 10% पे उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 230, बात समझ रहे हो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 230, तो जो 230 है, कैन आई से फर्स्ट ईयर के, समझना, फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होगा, मतलब का 10% होगा, कह सकता हूं मैं, हां सर यही तो डिफरेंस होता है दो साल के बाद, एग्जैक्टली, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वुड बी 2300, समझ आया, हाँ सर समझ आ गया, अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 2300 है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, P into R into 1, फर्स्ट ईयर है ना, अपॉन 100, जहां पे R कितना है 10, 0, 0, 0 मल्टीप्लाई करो, आपका प्रिंसिपल कितना आएगा, 23,000, सेकेंड मेथड, समझ आया, है ना, वही 100 रुपए वाला एग्जाम्पल को पकड़ेंगे ना, जो हमने समझा डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, वही चीज यहां पे हमने 230 पकड़ के किया है, so the answer is 23,000. दूसरी मेथड, तीसरी मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, मेथड 3 इज शॉर्टकट, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स आर पीआर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इफ द प्रिंसिपल इज कॉमन ऑफ कॉस्ट, राइट, पीआर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, सीधा सीधा ये फॉर्मूला में डाल देते हैं, पी हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 10 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिफरेंस, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, 230, सो 230 इज इक्वल टू पीआर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, यहां से 10 स्क्वायर 100, 100 100 कैंसिल, 100 सीधा मल्टीप्लाई, पी इज इक्वल्स टू 23,000, अरे सर पहले यही मेथड सिखाने दी थी, इतना सिंपल है, नहीं, शॉर्टकट मेथड्स वैसे भी यूजुअली हम पहले नहीं सीखते, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आना जरूरी है, ये लाइन आप मेरे लेक्चर्स में बहुत बार सुनेंगे, ठीक है, डन, चलिए, सो दिस वाज सिंपल, राइट, डन, लेकिन सर 3 साल के लिए पूछ लिया तो, हाँ गुड क्वेश्चन, 3 साल के लिए पूछ लिया तो ये रहा फॉर्मूला, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज फॉर 2 इयर्स, वेयर एज
P into R square into 300 plus R upon 100 cube. There, the formula is. ये 3 साल के लिए. सर 4 साल के लिए पूछ लिया तो? नहीं, ऐसे मत पकड़ो. ठीक है? यार ये formulas derive यहीं से हुए हैं. इसमें अगर मैं इसे R लिख लूँ, तो ये formula आ जाएगा सीधा सीधा. और इसमें अगर मैं 3 कर दूँ, तो ये formula आएगा. तो अगर 4 करूंगा ना तो बड़ा लंबा इक्वेशन बनेगा और फॉर्मूला भी बड़ा लंबा बनेगा. डजंट मेक एनी सेंस टू राइट दिस. ठीक है, इसलिए 3 तक हम इसे सीमित रखते हैं. ठीक है, डन. देयर आर द फॉर्मूलास फॉर यू. डन, यू कैन राइट दोस फॉर्मूलास बाय आफ्टर पॉजिंग द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल. चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, a sum of money doubles itself in 15 years at SI, in how many years it will become 8 times? Similar question that we did in simple interest as well, but this is a compound interest. You can pause the video and try by yourself. Chaliye, I hope aapne try kiya hoga. Isko bhi do tarike se kar sakte hai. Pehla mathematical dikhata hu main, pure maths padh rahe hum log, maths ka formula use karenge. Theek hai, a sum of money doubles itself in 15 years. Baat samajhna, agar mera principal p tha, agar wo 2p ho gaya, this is my principal, double हो जाना यानी 2p हो गया. What is this? This is my amount. बात समझना. हाँ सर, principal p था, amount हो गया 2p. अब amount का formula क्या है? What is amount का formula? P into 1 plus R divided by 100 raised to n या t. कितने साल में हो गया? 15 साल में, यानी 50. What is this amount? 2p. So 2p, बात समझे. 2p equal to, इसे भी हटा दो, let's write 2p. 2p is equals to p into 1 plus r divided by 100 is to 15. Yes sir, pp gets cancelled. Yes sir, अभी 1 plus r divided by 100 raised to 15 equal to 2. लेकिन इसी की value लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ 2 raised to, ये 15 इस तरफ आएगा, तो 2 raised to 15 ही रहेगा? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या हो जाएगा? 1 by 15, कितना हो जाएगा? 1 by 15. Let's keep this as equation 1. Now, let's focus on other part of the example. ठीक है? In how many years it will become 8 times? अब question पे focus करते हैं. This is basically data, जो data दिया है. Question, 8 गुना करना है. Amount मुझे 8 गुना चाहिए. Principle वही है. 1 plus R divided by 100 raised to T. कितने टाइम में? Now I am focused on finding this t. ठीक है सर, pp cancel. 8 equal to 1 plus r divide by 100 raised to t. सर मुझे t ढूंढना है. सर कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन जो डेटा था वहां से हमारे पास 1 plus r divide by 100 का वैल्यू है, that is 2 raised to 1 by 15. 2 raised to 1 by 15, उसी को हम डाल देते हैं. So 8 is equals to 2 raised to 1 by 15 into this t. है ना? Done. So, continuing this, आगे बढ़ते हैं. 8 can be written as 2 raised to 3. Yes, sir. 2 raised to 1 by 15 into t. That is 2 raised to t by 15. हाँ, sir. समझ आया. यार, 2 raised to 3 equals to 2 raised to t by 15. मतलब, what does this imply? T by 15 equal to 3. What does this imply? T is equals to 15, 3s are 45. So, अगर एक पैसा, थोड़ा पैसा, एक पैसा मतलब, अगर थोड़ा पैसा 15 साल में डबल हो जाता है, compound interest पे, तो उसे 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 45 years. A pure explanation, technical. A pure technical mathematical explanation. Same thing I have shown you here. You see? Exactly same thing. Equation 1 हमने बना दिया. 8p, 2 raised to 3, सब same किया. N is equals to 45. I hope you understood this. ठीक है? Done? Now. Sir, logical explanation क्या था? आप बोल रहे थे ना, इसका logical explanation. हाँ. क्योंकि compound interest जो है, वो exponential rise होता है ना. Why it is called exponential rise? समझना बात को. Why it is called exponential? Because
पावर में आता है ना एक्सपोनेंट आता है व्हाइल फाइंडिंग अमाउंट, द एक्सपोनेंट कम्स इनटू पिक्चर, इसलिए उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइज। नाउ मैं ऐसे सोच सकता था कि कुछ पैसा है पी, कितने साल हो गए 15 साल, 2p हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पैसा पी 15 साल में डबल हुआ और 15 साल में डबल होगा, पड़ा है उसका डबल हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, सिंपल में नहीं, सिंपल में इट रिमेन्स सेम, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है वो, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। 2p का कितना हो जाएगा 4p, अच्छा और 15 साल चले जाएंगे 4p का कितना हो जाएगा 8p, पैसा था p हो गया 8p, 8 गुना हो गया, हाँ सर हो गया, 15 15 15 कितने साल हो गए 45 years, और प्योर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बट दिस हैपेंस इन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, प्लीज डोंट अप्लाई दिस इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इफ यू हैव ऑब्जर्व वी डिड इट इन एंटायरली डिफरेंटली, है ना, वहां पे भी ये कंफ्यूजन का एलिमिनेशन कर दिया था कि नहीं सर समझ आ गया, ऐसा हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हाँ गुड, नाइस एग्जाम्पल, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 7350 इन 2 इयर्स एंड 8575 इन 3 इयर्स एट CI, देन फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ना एक सिंपल दिमाग लगाओ, अमाउंट्स टू, ठीक है, डन। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट ढूंढा जाता है, हाँ ठीक है, डन राइट। लेकिन अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो यहां पे जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है और नया प्रिंसिपल बनता है, एक्चुअली तो उसे अमाउंट कहेंगे ना पहले साल के बाद, आई एम मेकिंग सेंस राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ढूंढा गया, ठीक है, फिर हमने कंपाउंडिंग प्रोसेस किया, कंपाउंडिंग प्रोसेस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डन, उसे हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है। अब दूसरे साल हम इस अमाउंट पे प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है, डन। फिर क्या हो गया, फिर से कंपाउंडिंग होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आएगा मेरा नया अमाउंट। तीसरे साल क्या होगा, इस पे फाइंड होगा, यही चीज हमने ऑलरेडी सीख ली है। अगर इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते तो बात समझो क्या बोल रहा है वो, दैट इट अमाउंट्स टू 7350 इन 2 इयर्स, मतलब दो साल के बाद 7350 हो गया वो, ठीक है, लेकिन 8575 इन 3 इयर्स, तीसरे साल के बाद वो था 8575। Fair enough. यार जब हम यहां पे ढूंढते हैं ना, कंपाउंडिंग प्रोसेस करते हैं, वो कंपाउंडिंग प्रोसेस होने के बाद ही आया ना, बिकॉज दिस इज अमाउंट, तो उसी पे हमने इंटरेस्ट ढूंढा होगा जिसके कारण ये नया वैल्यू आया, हाँ सर ऑफकोर्स, बात समझे। इसको एक और तरह से मैं समझाता हूं, दिस इज ऑल्सो अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल प्लस सम इंटरेस्ट, दिस इज प्रिंसिपल प्लस सम इंटरेस्ट टू, दिस इज इंटरेस्ट वन, लेट्स से क्यों, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कॉमन है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट वन ऐड किया, इंटरेस्ट टू ऐड किया, समझ आ गया सर। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट है, डिफरेंस है 8575 और 7350 के बीच का जो डिफरेंस है, वो प्रिंसिपल तो सीधा सीधा निकल गया, जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट, जो डिफरेंस है वो क्या है, इंटरेस्ट, कौन से साल का, दूसरे से तीसरे साल के बीच का इंटरेस्ट, एग्जैक्टली। सो व्हाट इज वन वे ऑफ थिंकिंग, ध्यान से देखे, एज गिवन इंटरेस्ट अर्नड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर, जो मैंने अभी अभी समझाया आपको, दूसरे और तीसरे साल के बीच में जो इंटरेस्ट अर्न किया, is the difference between these two values, हाँ सर समझ आया, जो कि है 1225 रुपए, वो 1225 क्या होगा, interest, वो कहां से आया, rate of interest से find किया होगा, कौन से value पे find किया होगा, यार दो साल के बाद अगर ये amount था तो इसी पे find किया होगा ना, क्योंकि ये compound interest है, which is r percentage of 7350, that is amount after 2 years, है ना,
कंपाउंडिंग होने के बाद जो नया अमाउंट मिलता है हम उसी का तो आर परसेंटेज फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। दो साल के बाद अमाउंट मिला 7350, तो उसी का हमने फाइंड कर लिया। सो क्वेश्चन क्या है, 7350 का कितना परसेंटेज 1225 होगा, वही तो पूछा है, दैट इज 16.66% और 16.23%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका काम आगे बढ़ रहा है, अब आपको पिक्चर समझ आएगा, ठीक है। और अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका पिक्चर आगे बढ़ रहा है, और एक और अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज, एज वी ऑलरेडी नो, सीआई इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट विथ चेंजिंग प्रिंसिपल न्यू ईयर, विथ चेंजिंग प्रिंसिपल एवरी ईयर, ठीक है। सो ये आपका दो साल के बाद का प्रिंसिपल था, अमाउंट था, लेकिन वो नया प्रिंसिपल था, अमाउंट इज न्यू प्रिंसिपल, और ये तीन साल के बाद वाला नया प्रिंसिपल था, ठीक है। अब दो साल के बाद वाला दिस वॉज न्यू प्रिंसिपल, तो इसी के इसी प्रिंसिपल का जब हमने आर परसेंटेज ढूंढा होगा तो नया इंटरेस्ट मिला होगा, है ना, डन। वही नया इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो कि दो और दूसरे और तीसरे साल के बीच का डिफरेंस है, दैट इज 1225 रुपए। वही चीज मैं यहां पे करूंगा, कंसिडरिंग सिंपल इंटरेस्ट, वही तो कर रहे हैं ना, पी आर एन, एन मतलब एक साल, दूसरे और तीसरे साल के बीच का, पी इज 7350, पी इज 7350 into rate of interest 1/100, again rate of interest 16.23%। यार एक बार rate of interest मिलने के बाद तो बड़ा simple हो जाता है, you can directly apply compound interest का formula और even simple interest का formula minus करके, ठीक है, जितना interest आता है वो, और आपको principal मिल जाएगा 5400 rupees, that is 5400 rupees। I hope you understood this example, this is beautifully crafted example and this also tells us कि root concept क्या है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मल्टीपल टाइम्स, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड येट, आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख के आप पक्का समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन, राइट। चलिए पढ़िए, पॉज करें, खुद से ट्राई करें। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6690 इन 3 इयर्स, 10035 इन 6 इयर्स। तो यार इसमें जो दिया है ना वो लिख लेते हैं, पहले डेटा को टेक्निकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यही दोनों चीजें आपको दी है, ध्यान से देखें। A sum of money amounts to 6690, मतलब अमाउंट का ही फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेस टू 3 बिकॉज इट इज इन 3 इयर्स। अगेन अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेस टू 6, क्यों, क्योंकि बोला है 6 इयर्स। तो ये तो हमारा डेटा हुआ, दिस डेटा इज गिवन, ठीक है, डन। नाउ इसको देख के ना ऐसा अंदर से फीलिंग आनी चाहिए आपको कि यार इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, मजा आया ऐसा इक्वेशन है ये, है ना। यार दोनों ही सेम है, इसमें से किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन डू, इसे देख के आपको पता चलना चाहिए था, यू कुड हैव डिवाइडेड इट, कुछ नहीं करना था, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, है ना। तो इससे इसको डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 1 plus r divided by 100 is to 6, 1 plus r divided by 100 is to 3, ये माइनस होगा, मतलब 3 रह जाएगा, this upon this, मतलब 3 रह जाएगा, this will be 3, ठीक है, equal to 10035 upon 6690, pp cancel हो गया, this will be 3, this upon this is 3/2, surprisingly, 10035 और 6690 को cancel करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, कितना simple हो गया, बात समझे कैसे simple हुआ। Now you have value of 1 plus r divided by 100 ka cube which you can seedha replace here, right, solving it for p, dekho, so this is 6690 upon p is equals to 3/2, solving this we get 4460, is it clear? You see, we are doing variety of questions to understand कैसे अलग अलग types के questions आ सकते हैं, वही चीज हम कर रहे हैं। I hope you understood this, ठीक है, let's go to the next part। हाँ, एक fun type का example है आपके लिए, ठीक है, and I'm pretty sure आप सबने ये वाला movie भी देखा होगा, most of you must have watched this movie and most of you must have seen this fun kind of dialogue as well, reason behind this is a kind of meme material on Instagram and other social media platforms, ठीक है, जैसे कि ये देखो, find the rate of interest per annum for compound interest,
कंपाउंडेड डेली। यार क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको बोल दूं, कंपाउंडेड डेली, डेली का मतलब क्या होगा, कंपाउंडेड डेली का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल कंपाउंडेड इन अ ईयर, एन का वैल्यू क्या आएगा, लेट्स टेक 365 जस्ट फॉर द रेफरेंस आई एम गिविंग यू। सर लीप ईयर हुआ तो, हाँ तो 366, मैं जनरल ईयर ले रहा हूँ, ठीक है, सो नॉन लीप ईयर लाइक 365, एन का वैल्यू क्या आएगा 365 इन दैट जनरल फॉर्मूला, जैसे कंपाउंडेड क्वार्टरली, सेमी एन्युअली में 2, क्वार्टर में 4, वैसे डेली होगा तो 365। यहां तक क्लियर है? हाँ सर समझ आ गया, कंपाउंडेड डेली में फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू वांट, यू वांट समथिंग लाइक दिस, इफ यू वांट 25 दिन में पैसा डबल, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस, राइट, दिस इज अ, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल कॉमेडी पिक्चर मूवी आई गेस, ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करेंगे, राइट, प्लीज पॉज द वीडियो, इवन दो इट इज फन एग्जाम्पल यू विल एंजॉय दिस, ठीक है, सो इवन दो I have put this just for fun, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करने में मैथमेटिकली बड़ा मजा आएगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, 25 दिन में अगर पैसा डबल चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहे तो ये तो आना चाहिए, ठीक है, देखो कंपाउंडेड डेली का मतलब क्या होता है, आई विल शो यू हियर, पहले तो बात समझो कि 25 दिन में पैसा डबल चाहिए, डबल का मतलब क्या हुआ, मुझे अगर मेरा प्रिंसिपल पी था तो मुझे चाहिए 2p, समझ आया, हाँ सर पक्का, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेस टू टी, पूरा का पूरा वही फॉर्मूला डाला हुआ है मैंने, हाँ सर, एन का वैल्यू मैंने 365 डाला है, हाँ सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, इसलिए मेरा टी जो है, टी वो हमेशा होना चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स, मेरा एन क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन मुझे तो 25 दिन में पैसा डबल चाहिए, तो टाइम अगर मैं 25 रखता हूं तो वो नहीं चलेगा ना, दिस पार्ट मस्ट बी नंबर ऑफ ईयर्स, डेज कैन बी कन्वर्टेड इन टू ईयर्स बाई डिवाइडिंग बाय 365, सो 25 अपॉन 365, द क्वेश्चन लुक्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन जब आपके पास कैलकुलेटर होता है देन यू कैन सॉल्व दिस, ऑफ कोर्स ओनली इफ यू हैव कैलकुलेटर, सो 2 raised to 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 इनटू 365, सॉल्विंग दिस यू गेट योर रेट इज इक्वल टू 1026.15%, अ लिटिल बिट एग्जेजरेटेड, ठीक है, लेकिन हमने फन करने के लिए ये एग्जांपल लिया था, हाँ भाई जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे, है ना, दिस इज ऑल्सो फन डायलॉग दैट वी हैव। चलिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट फॉर फन, लेकिन हाँ हमें पढ़ाई में तो हेल्प कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं।